नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम लोग गंडूष क्रिया, जिसको कवल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में एक क्रिया को ऑयल पुलिंग भी बोलते हैं। इस क्रिया को महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक व महर्षि वाग्भट, इन्होंने अपने संहिता में इसके वर्णन मिलते हैं। इस क्रिया को करने के लिए आपको सुबह उठने के बाद और ब्रश करने से पहले तीनों में से कोई भी तेल लेना है। तीनों तेलों में से नारियल का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल ले सकते हैं। उसको 3 से 4 चम्मच लेना है और अपने मुंह में रखने के बाद उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है, जैसे हम लोग कुल्ले करते हैं उस तरह उसको घुमाना है। जब ऐसे मैंने तेल ले लिया और उसको फिर बाद में इसको मिनिमम 3 से 5 मिनट घुमाना है स्टार्टिंग के लिए, शुरुआती अभ्यास के लिए इसको 3 से 5 मिनट घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे आगे पीछे इसको घुमाते रहना है। एक क्रिया करने के बाद फिर ये तेल को, जो भी आपने तेल लिया है, सरसों का तेल, नारियल का तेल या तिल का तेल, इसको बाद में थूक देना है। इस क्रिया को गंडूष क्रिया कहा भी जाता है। इस क्रिया के 4 विभिन्न प्रकार है, जैसे शोधन गंडूष, शमन गंडूष, रोपण गंडूष और स्निग्न गंडूष। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। जैसे आपने आपने देखा कि जो तिल की जो क्वालिटी होती है वो किसी भी डस्ट पार्टिकल को खींचने की होती है, तो उससे एक क्रिया करने के बाद आपके शरीर में जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, जैसे पोल्यूटेड डस्ट पार्टिकल आपके शरीर में है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, वो एक क्रिया से आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। एक ही क्रिया के जो बेनिफिट्स है वो ऐसे है कि एक क्रिया करने के बाद आपके समस्त वात विकार दूर हो जाएंगे, वैसे आपके मसूड़ों को और दांतों को भी ये मजबूत रखेगा, आपके पाचन संस्था को ये स्ट्रांग रखेगा, आपके गले के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए क्रिया बहुत सक्षम है। और एक क्रिया करने के दौरान आप वो तेल को जो आपने मुंह में लिया है उसको राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप डाउन करते रहना है। आप उसको आपके दांतों के ऊपर, आपके मसूड़ों के ऊपर भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद उस तेल को थूक देना है, उसको निगलना नहीं है। वो तेल थूकने के बाद हल्के गुनगुने पानी से या स्वच्छ पानी से कुल्ले करने हैं और उसके बाद आप ब्रश भी कर सकते हैं। बच्चों को भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये तिल का तेल, नारियल का तेल और सरसों का तेल, ये तेलों में जिनको भी कफ रोग है, जिनको भी बलगम बनता है, कफ रोग जिनको है, उनको सरसों के तेल से गंडूष करना है। जिनको भी वात रोग है, जिसको जोड़ों का दर्द है, जॉइंट्स पेन है और वात जिनका बड़ा हुआ है, उनको तिल के तेल से गंडूष करना है। और जिनको पित्त रोग है, जैसे हाइपर एसिडिटी है, स्टमक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनको नारियल के तेल से गंडूष करना है। तिल का तेल, नारियल का तेल और सरसों का तेल मैंने बताया आपको। और जिन रोगों को, जो रोग है, जैसे पित्त, कफ और वात, उनके अकॉर्डिंग उनको वो तेल लेना है और गंडूष करने के बाद तेल को थूक देना है और उसके बाद पानी से कुल्ले करने हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी चर्चा करेंगे। जो चार मुख्य गंडूष है, रोपण गंडूष, स्निग्ध गंडूष, चमन गंडूष, उसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।